तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक सेविंग्स अकाउंट पे 7% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग सबको जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग को बैंक कभी भी 4% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट नहीं देती है, मैक्सिमम 4%, और काफ़ी ऐसी कम बैंक है जो 4% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट देती है। नॉर्मल अकाउंट में हम लोग को 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन अगर 7% से ज़्यादा का अगर हम लोग को इंटरेस्ट रेट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले एक आता है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्वीप अकाउंट भी कह सकते हैं। और उस अकाउंट में ये होता है कि जैसे आपको बस एक थ्रेशोल्ड लिमिट बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस लिमिट से के ऊपर जब कभी भी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होए तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में चला जाए, या फिर स्विप अकाउंट भी आप उसको कह सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको पे इंटरेस्ट रेट लेंगे। समझिए कि आपका बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ पहले से डिपॉजिटेड है और आपका 50,000 सैलरी है, और आपके 500 जो डिपॉजिट है उस पे तो आपको सिर्फ बैंक 3.5% इंटरेस्ट रेट देगी। लेकिन आप क्या कीजिए कि आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपका जो भी अगर सैलरी आए वो का उसका कुछ परसेंटेज चला जाए आपके फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट पे। अब चलिए यहाँ समझिए कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 500 आपके अकाउंट में पहले से डिपॉजिट थे, 50,000 आपकी सैलरी आए, तो टोटल आपके अकाउंट में कितने हो गए, 50,500 हो गए, जिसमें से कि आप बैंक को बोले कि जब कभी भी आपके अकाउंट में 10,500 रुपीज़ से एक्स्ट्रा अमाउंट आए तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाए सेविंग्स कम फिक्स अकाउंट में, या फिर फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट भी आप उसको कह सकते हैं, इसमें ट्रांसफ़र हो जाए बैंक, वो ऑटोमेटिक जब कभी भी आपके अकाउंट में 10,500 से अभव आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली उस पर चला जाएगा और उस पर आपको 7% इंटरेस्ट रेट का पैसा आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ये बेनिफिट होता है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट का। इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नॉर्मली होता क्या था कि अगर आप बैंक में अगर FD RD कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लॉक इन हो जाता था कि इतने समय बाद ही आपको मैच्योरिटी के बाद ही आपको बेनिफिट मिल सकता है, इस बीच अगर आप तोड़िएगा तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट उतना आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट का यही बेनिफिट है, इस पर आपको कुछ भी फॉर्म पे फिलअप नहीं करना है, नॉर्मली आपको सिर्फ जाना है, इस पर टेन्योर इसका कुछ नहीं है, आपको बस नॉर्मली इन्फॉर्म कर देना है और ये फैसिलिटी ऑप्ट करने समय कि आप कभी भी चाहते हैं कि 10,500 से एक्स्ट्रा रुपीज़ जो आपके बैंक अकाउंट में आए वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट पे चला जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आएगा वो ऑटोमेटिकली उस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस पे आपको 7% इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मान लीजिए कि आपको अगर ट्रांजेक्शन करना हो, अगर आपको अर्जेंट में किसी को आपके अकाउंट में भेजना हो या आपको किसी अकाउंट में भेजना हो पैसा, सपोज 50,000 आपको भेजना हो और आपका अवेलेबल बैलेंस 10,500 ही शो कर रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अगर फिक्स डिपॉजिट में अगर सेव है ऑलरेडी पहले से पैसा तो आपको बस ट्रांजेक्शन करना है एज अ नॉर्मल। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप ATM से पैसा निकालिए या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए, सब कुछ सेम है, बस आपका 10,500 जो आए के ऊपर जो पैसा आएगा वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और आराम से आप जाइए, आप ATM में ट्रांजेक्शन कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ATM में ट्रांजेक्शन कीजिए। और आजकल सारी बैंक ही ये फैसिलिटी दे रही है, इवन आंध्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, प्राइवेट बैंक काफ़ी सारी है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, काफ़ी सारी बैंक है जो ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है और इसकी ये बहुत बेनिफिशियल है। इस सर्विसेज को आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके या फिर अपने होम ब्रांच जा करके इसको करा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।